तो गाइस मैं खुशी रहूं आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी में। सुम्बुल ने बोल दिया है निमृत को कि भाई बंद करो अपना शो। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूं आखिरकार सुम्बुल ने ऐसी बातें निमृत को क्यों बोली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस शाली ने जैसे ही बोला कि भाई मुझे चाय पीनी है, तो चाय जो है लेने के लिए सुम्बुल किचन एरिया में गई और वहां पर जो है ये सब लोग जो है गार्डन एरिया में आए और आने के बाद जो है गौतम, निमृत और सुम्बुल एक जगह पर बैठ गए। बैठने के बाद जो है निमृत ने अपना एक शो स्टार्ट किया जिस शो का नाम है टी विद निमृत और वहां पर वो काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रही थी। इसी बीच में जो है सुम्बुल काफी ज्यादा चिड़ी हुई है। वो चिड़ी इसलिए है क्योंकि गौरी ने जो चीज उसके साथ सुम्बुल के साथ किचन एरिया में की है उसके ऊपर जो है वो अचानक ही बीच में बात करने लग जाती है सुम्बुल और चिड़के बोलती है कि ये गौरी ऐसा कैसे बोल सकती है, वहां पर सब कप्स पड़े हुए हैं और सब कप एक ही जैसे दिखते हैं, उसको कैसे पता चल जाता है कि ये कप उसका है। तो ये बहुत ही ज्यादा चिड़के जो है बात करती है, जहां पर निमृत बोलती है छोड़ तो यहां पर इसे शो में रह और ये उस जोन से निकल जाए, खत्म कर उस चीज को। जहां पर फिर निमृत की ये बात सुनने के बाद सुम्बुल बोलती है यार बंद करो अपना शो, हंसते हुए ही बोलती है। पर वहां पर वो गौरी की बात से काफी ज्यादा चिड़ी हुई है और गौरी को वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। अभी आप लोगों को तो पता ही है कि भाई गौरी जो है बहुत जल्दी घर से बेघर होने वाली है, शायद मालूम हो जाए क्योंकि वोटिंग सबसे कम जो है उन्हीं को मिल रही है। पर ये वो बोलते हैं रस्ते में चलता हुआ जो कंकर है, रोड़ा जो है वो हट जाएगा सुम्बुल के रस्ते से। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।